नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज सुबह सुबह सारे गांव हम भोजपुरी पर धमाका हुई आरा में 2.0 खेसारी लाल यादव का रिलीज हुआ है, जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ शिल्पी राज आई हैं, तो वहीं पूनम दुबे जो हैं वो इस गाने में लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आए हैं। लेकिन ये गाना बड़ा खुशखबरी खेसारी फैंस को दे दिया, जिसमें कि ये गाना पूरे देश में नंबर वन पर मेन सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, तो पांचवें नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसी बीच खेसारी लाल यादव, उनके टीम के सदस्य और खेसारी फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। वो बुरी खबर है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल बात करें तो जो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर जहां पर गाना दढ़िया बढ़िया लागेला रिलीज हुआ था, वो गाना ट्रेंडिंग में भी था और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड जो है वो डिलीट हो गया है। और जब आप जाकर देखेंगे रिलेटेड चैनल पर, तो वहां पर लिखा होगा कि दिस अकाउंट हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर वायलेटिंग यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन, यानी कि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के वायोलेशन के चलते जो है ये चैनल टर्मिनेट हो गया है। और इसका पीछे का वजह ये होता है कि जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता है उसको वायोलेट किया गया है, और उसकी वजह से जो है ये चैनल डिलीट हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझने वाली है कि जब भी कोई वायलेटिंग चीज जो है यूट्यूब पर डाली जाती है, तो वो कुछ बहुत ज्यादा ही वल्गर होता है, अश्लील होता है, कंट्रोवर्शियल होता है, या फिर ऐसा कुछ होता है जिससे कि वाद विवाद पैदा हो। लेकिन अब चैनल सिंगिंग का है, तो सिंगिंग पे ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि उसके थ्रू जो है वो वायलेशन ऑफ कमेटी गाइडलाइन किया जाए, एक तर्क ये आता है। दूसरा तर्क ये आता है कि कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव का चैनल हैक हुआ था, आपको पता है हैक होने के बाद चैनल रिकवर हो गया, तो हो सकता है कि फिर उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया हो, अनवांटेड चीज चलाई गई हो, और उसके चलते जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया है, और हो सकता है कि उसके चैनल उसकी वजह से जो है चैनल टर्मिनेट हो गया है। अब दो बात समझनी है, अगर सच में वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन होगा तो ये चैनल वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी के द्वारा हैक किया गया है और उसके द्वारा वीडियो प्रसारित किया गया है और उसके चलते जो है अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया है तो ये चैनल जो है वापस आ जाएगा। तो दो संभावनाएं बनती है, अब देखना दिलचस्प होगा कि उनके टीम के सदस्यों के द्वारा कौन सी चीजें को प्रसारित किया जाता है, और क्या सच में किसी के हैकिंग से ये चीज हुआ है या फिर सच में वायलेशन ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइन है, यह बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी जैसे अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप सभी को जानकारी दूंगा, इसलिए हमारे चैनल भोजपुरी म्यूजिक से सब्सक्राइब कर जुड़े रहें। धन्यवाद।